हेलो स्टूडेंट, स्टडी इन यूकेजी क्लास। स्टूडेंट्स, अपने मैथ्स में 2 और 3 की टेबल हो चुकी है। आज अपन एडिशन करेंगे। एडिशन का सिंबल कैसे होता है बच्चों? ऐसे। और एडिशन में क्या करते हैं? ऊपर की डिजिट और नीचे की डिजिट को ऐड करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? 3। तो 3 लाइन करते हैं अपन। 1, 2, 3। ये कितने हैं? 2। 2 लाइन करो। 1, 2। अब इनको काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5। इन दोनों को ऐड करा तो कितने आए? 5। बच्चों, यहाँ पे अपन ने 1, 2, 3 इसके बाद में कंटिन्यू चलना है, जैसे 4 और 5 इस तरह से। यहाँ कितने हैं? 4। 1, 2, 3, 4। ये कितने हैं? 1। तो अब काउंट करो इनको। 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5। ये कितने हैं? 5। तो अपन 5 लाइन करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 2। 1, 2। अब इन दोनों को अपन काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। इसमें कंटिन्यू काउंट करना है। ये कितने हैं? 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 1। काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो कितने आए? 7। ये कितने हैं? 4। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। काउंट करते हैं बच्चों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो यहाँ कितने आएंगे? 8। ये कितने हैं बच्चों? 3। 1, 2, 3 और यहाँ 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो यहाँ कितने आएंगे? 8। एडिशन में हमेशा ऊपर की डिजिट और नीचे की डिजिट को ऐड करना रहता है और उसका सिंबल ऐसे होता है एडिशन का। ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर 1 पेज रिटर्न वर्क करना है। ओके।